अस्सलाम वालेकुम कुड़ियों, की हाल चाल है? तो सना, आज जी जनाब मैं आपके लिए लाई हूँ ये ब्राइडल कलेक्शन जूतों की, और इन पे काफ़ी सारे जो थे वो आर्टिकल सेल पर भी थे। ये चेक करो कितनी बड़ी लंबी हील है इनकी, फुल प्रॉपर 5-5 हज़ार में ये जूते लगे हुए थे, और इनकी हील्स इतनी इतनी लंबी थी कि आपको सही सच्ची में लंबा बना देंगी। जिनके छोटे कद हैं ना लड़कियों के, वो इस तरह की हील्स लहंगे के नीचे पहने तो बड़ी ही अच्छी क्लासिक लुक आती है। अच्छा चेक करो जी, इनके साथ प्राइस टैग्स भी लगे हुए हैं, ये साथ फ्रंट और बैक भी नज़र आ रहा है जूते का। हील लगी हुई है, किसे हील दिखाई हुई है और उसका फ्रंट भी दिखाया हुआ है। ये मुझे जो ब्लॉक हील वाला गोल्डन जूता था ना, ये मुझे बहुत पसंद आया। ये हैं जनाब अब 51% इन सब पे ऑफ था। इन सब की प्राइस रेंज जो थी वो 3,500 3,500 तक थी, और ये इतनी ज़बरदस्त लग रही थी पहनी हुई। मैंने फटाफट वीडियो रिकॉर्ड कर लिया आप लोगों के लिए, क्योंकि शॉप जो थी ना वो बंद होने वाली थी। ये देखो, ये फ्रंट भी दिखाया हुआ है और बैक भी दिखाया हुआ है जूते का ना, हील भी दिखाई हुई है। तो मैंने कहा फटाफट मैं छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग ये देख लो। ये चेक करो, ये लाइट टी पिंक कलर में 3200 की, गोल्डन कलर में, एवरी कलर, सिल्वर, गोल्डन, पिंक, ब्लैक, जो भी आपके ड्रेस का, वेडिंग ड्रेस का कलर है वो आपको इसमें नज़र आएगा। ठीक है जनाब, 3800 की ये चेक करो कितनी ज़बरदस्त, ये 3900 की कितनी ज़बरदस्त जूता है ब्लैक कलर में, और ये वाली इतनी खूबसूरत लग रही थी ना उधर पड़ी हुई ये वाली जूता, कि मैं क्या बताऊँ। अच्छा ये ब्लैक वाला चेक करो, ये 4000 का था, लेकिन ये इतना कोई ख़ास नहीं, जो प्राइस इन्होंने ज़्यादा लगाई हुई है इसकी ना, इतने 4000 जोगी नहीं थी। 4000 में इनके और भी बड़े अच्छे अच्छे ऑप्शन थे। अच्छा ये चेक करो, ये भी इनकी 4700 में ये जूता था, ये इतना प्यारा लग रहा था। इसकी क्रिस्टल हील थी जिसमें चेंज होता है ना, नज़र आती है हर चीज़। अच्छा ये भी देखो, 3900 की ये सारे आर्टिकल लगे हुए, 3800 में ये भी लेन सारी 3800 में है, मैरून कलर, सिल्वर, गोल्डन। अच्छा ये अब इनमें ना ये फ्लैट आ गए ना, इनकी छोटी छोटी हील थी, ये भी तकरीबन 2800 तक। ये फ्लैट्स के साथ छोटी हील जो ब्लॉक हील होती है उस तरह की है, ये 3100 में। चेक करो ये भी सारी 2500 में, ये बहुत खूबसूरत, ये गोल्डन और ग्रीन कलर का फ्लैट लग रहा था। अच्छा जनाब ये आगे भी सारे, अब ये फ्लैट की कलेक्शन है। ये जो दुल्हनें शुरू के दिनों में ज़्यादा अच्छी ज़रा ब्राइट जूते पहनती हैं, ये उस तरह के जूते हैं। आप भी अम्मियों शम्मियों को गिफ्ट करने हो, शादियों पे पहनने हो, किसी फंक्शन में पहनने हो, ये फ्लैट बहुत अच्छे फैंसी फ्लैट थे। ये कैजुअल फ्लैट नहीं थे, फॉर्मल फ्लैट थे। ठीक है, अच्छा इनके ऊपर सबके ऊपर सीक्वेंस, किसी के ऊपर लगा हुआ है, किसी के ऊपर वो, मतलब सबके ऊपर डिज़ाइनिंग थी। ठीक है, अच्छा ये देखो, ये छोटी सी हील के साथ हैं, जो शादी पे जिस तरह की अम्मियाँ वगैरह पहनती हैं जूतियाँ, छोटी हील वाली, जिनको बड़ी हील में थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील होता है, तो उनके लिए ये छोटी हील में थी। ठीक है, ये चेक करो, ये सैंडल स्टाइल में था सारा, ये 3200 की रेंज में था। उसके बाद ये भी बहुत खूबसूरत कलेक्शन थी, जो क्रिस्टल कलेक्शन होती है ना वो बहुत खूबसूरत होती है। मुझे तो ना ये कलेक्शन बहुत पसंद आई, बहुत पसंद आई। ये देखो, ये अब हील का जो टाइप है ना, ये डिफरेंट है, ये ब्लॉक हील है, थोड़ी लंबी हील है, लेकिन ये ब्लॉक हील है। ठीक है, पेंसिल हील नहीं है। अच्छा कुछ इसमें पेंसिल हील वाले आर्टिकल भी लगे हुए हैं, और कुछ इसमें ब्लॉक हील वाले आर्टिकल भी लगे हुए हैं, लेकिन ये ज़्यादातर ब्राइडल ही थी। ये टॉप सबसे ऊपर वाली लेन में देखो, ये जो थी वो सारी क्रिस्टल और जो सी थ्रू होती हैं जूतियाँ वो थी, जिनमें पाँव नज़र आता है। बहुत बहुत मुझे पसंद है ये वाले इस तरह के जूते। अच्छा उसके बाद देखो, ये भी सारे अब छोटी हील वाले जूते हैं, ये पिंक कलर का देखो, ये सिल्वर कलर का, ब्लैक, मैरून, ये आम कैजुअल वेयर में भी आप पहन सकते हो, किसी के घर जाना हो दावत शावत पे तो उसमें भी आप पहन सकते हो। बहुत कंफर्टेबल होती है इनकी हील, मैंने पहले भी यूज़ की हुई हैं, और मेरी जो अपने वलीमे का जूता था वो मैंने यहाँ से ख़रीदा था, जो मेरी नन थी उन्होंने मुझे लेकर गई थी तो मैंने यहाँ से ख़रीदा था, और जो मेरी बारात का जूता था वो मैंने मिली शूज़ से ख़रीदा था, बहुत खूबसूरत जूता था। अच्छा ये चेक करो, अब ये फ्लैट्स आ गए हैं, ये आजकल ये जिस तरह हर्मेस का जूता आता है ना, इस तरह के ये गोल्डन कलर का जूता नज़र आ रहा है, उनकी कॉपी है। आगे बहुत ही खूबसूरत खुस्से की कलेक्शन लगी हुई थी, और इसमें भी हर कलर का खुस्सा था। ठीक है, खुस्सों पर भी ऑफ था, लेकिन ये वाला जो ऊपर वाला सेक्शन है ना, इस पर ऑफ नहीं था। इसमें येलो, ब्लैक, गोल्डन, मैरून, हर तरह का खुस्सा लगा हुआ है, और प्राइजेस बहुत रीजनेबल है, 2000 से 2300 के बीच में थी, और जो ऑफ पे थे वो 1100-1200 का खुस्सा था। ठीक है, अब जो सबसे नीचे वाली लेन है ना आएगी खुस्से की, इस पर 51% ऑफ है, और ये 1100-1200 की रेंज में था ये सारे ये जो कलर थे, लेकिन वो इतने अच्छे मुझे नहीं लगे जो इन्होंने ऑफ़ पे लगाए हुए थे। जो ऑफ़ के बगैर थे ना वो बहुत अच्छे खुस्से थे। ये देखो ऊपर 1500 का सिंपल सा खुस्सा,
और 1800 का, और ये बैक ओपन है, फ्रंट उसका बंद है। ये शॉप सारी बंद हो गई थी, फिर हम लोग बाहर निकल आए और फिर मैंने कहा अभी जान से कि अब थोड़ा बहुत कुछ खा पी लेते हैं, तो बाकी मैं आपको अराउंड सराउंडिंग सारी दिखा रही हूँ। ये स्टाइलो की शॉप भी है, कुगर की भी है, साथ बॉर्जन की भी शॉप है, और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं बॉर्जन की शॉप पे आपको लेके जाऊंगी। हम दोनों मियाँ बीवी फटाफट फिर गाड़ी में बैठे और फिर हम घर आ गए। ओके जी, बाय।